12th की एग्जाम में जिन बच्चों ने बी ग्रुप लिया है उनका एक ही ख्वाहिश होता है कि उनको आगे जाके बाय प्रोफेशन डॉक्टर बनना है। अराउंड 80 लाख स्टूडेंट इस साल यानी कि 2020 के अंदर नीट यूजी के एग्जाम देने जा रहे हैं और करीबन जो मेडिकल सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो सिर्फ 80,000 है। तो यहाँ पे सीट कम होने की वजह से बच्चों को अब्रॉड के अंदर अलग अलग कंट्री के अंदर रुक करना पड़ता है, जैसे कि रशिया, यूक्रेन, चाइना, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूएसए, लाइक अदर कंट्रीज, जो ऑप्शन उनको सोचना पड़ता है। लेकिन जो सबसे पहले जो कंट्री शुरू हुई थी इंडियन स्टूडेंट के लिए फॉर द यूजी प्रोग्राम इन द अब्रॉड, इट्स रशिया। लेकिन रशिया के अंदर 50 प्लस यूनिवर्सिटीज आई हुई जिसके अंदर से हर कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है। तो आज हम लोग जो यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो यूनिवर्सिटी का नाम है अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अल्टाई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर बर्नौल करके एक सिटी है, वहाँ पे लोकेटेड है। अगर बर्नौल सिटी की बात की जाए तो बर्नौल सिटी मंगोलिया एंड कजाकिस्तान की बॉर्डर के पास आई हुई है। अगर बर्नौल सिटी की हम लोग बात करेंगे तो मॉस्को से बर्नौल सिटी जाने के लिए 5 से 6 घंटे का फ्लाइट लगता है और बाय रोड अगर आप जाते हैं तो 3500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो करीबन 49 आवर्स का जर्नी हो जाता है आपका, मीन्स कि काफ़ी। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो यूनिवर्सिटी का है वो 1954 है। अगर हम स्टडी की बात करें वहाँ पे तो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश एंड रशियन लैंग्वेज है, दैट मीन्स कि बायलिंगुअल लैंग्वेज है। बायलिंगुअल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि वहाँ पे 3 साल की पढ़ाई आपको इंग्लिश में करवाई जाएगी और 3 साल की पढ़ाई आपको रशियन में करवाई जाएगी। और अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी का जो वर्ल्ड रैंक है वो 5122 है और कंट्री रैंक 176 है, जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ हम लोग बोल सकते हैं, उतना अच्छा रैंकिंग नहीं है। अगर हम बजट की बात करें कितना खर्च होता है अल्टाई स्टेट के लिए, तो ट्यूशन फीस करीबन उसकी $4,300 है और अराउंड $500 से $700 हॉस्टल फीस है, यानी कि अगर टोटल आप एक्सपेंस काउंट करने जाएंगे तो वो एक्सपेंस करीबन $30,000 के आसपास बैठता है पूरे 6 साल का। और दूसरा अगर फूड का वो सब खर्चा अलग, दैट मीन्स कि 25 से 26 लाख रुपये का बजट आपको गिन के चलना है, जो कि 25 से 26 में आपको उससे भी बेटर ऑप्शन मिलने चाहिए। और इतना पैसा देने के बावजूद जैसे मैंने आपको पहले बोला कि बायलिंगुअल, दैट मीन्स कि इंग्लिश एंड रशियन दो लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करनी है, और मेडिकल आप नॉर्मल लैंग्वेज की अगर बात करते हो वहाँ तक ठीक, लेकिन मेडिकल एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो दो लैंग्वेज में आप कितनी चीज़ें याद रख पाओगे। आपको इवन अपने इंडियन स्टूडेंट को हिंदी बोलने में मुश्किल होती है, तो वो बच्चा इंग्लिश में तो बहुत प्रेशर देके वो पढ़ाई कर सकता है, उसके बाद उसको अगर रशियन में वही चीज़ पढ़ाई करनी की आएगी तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी राय से अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इट्स नेवर अ गुड ऑप्शन फॉर द इंडियन स्टूडेंट। और अगर आप कंफ्यूज होते हो कि आपको कौन सी कंट्री में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रॉपरली रिव्यू जानना है आपको, आप सोचते हो आपको कजाकिस्तान, बेलारूस कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, तो आप डेफिनेटली हमसे कॉल कर सकते हैं। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर है 7227044848 और दूसरा नंबर है 7303228882। और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है हमारा www.softamo.org। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। और ये अगर वीडियो आपका हमारा पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।